हर राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल खुलेंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने ये बात ज्वाइंट हैंड्स फॉर स्किलिंग मध्य प्रदेश पर कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि विदेश में काम के लिए जाने वाले युवाओं को प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में हुनर सिखाने के साथ ही संबंधित देश के नियम कानूनों को भी बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब नई आईआईटी अंतर्राष्ट्रीय मानक की खुलेगी। रूड़ी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खराब गुणवत्ता की 113 आईटीआई को बंद करने का निर्णय सराहनीय है। हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना प्रत्येक राज्यों में की जा रही है, जो एनएसडीसी के देखरेख में होगा। और यहां से जाने वाले बच्चे जो विदेशों में जाते हैं, उनको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कौशल के अतिरिक्त विदेश में जाने से पहले पासपोर्ट किस तरह से रखना चाहिए, पासपोर्ट की वैधता कब तक रहेगी, वीजा के क्या लिमिटेशंस हैं, विदेश में जाकर के रहने के लिए वहाँ के नियमों का किस प्रकार से अनुपालन करना है, वहाँ के कानून के बारे में अगर कोई कठिनाई हो तो किस प्रकार से एम्बेसी से संपर्क करना है, किसी प्रकार का हादसा हो तो अपने देश वापस लौटने का तरीका क्या हो, कंपनियों से आपका क्या अधिकार है, और कंपनियों में जब आप विदेशों में जाके काम करते हैं तो किस प्रकार से आपको अपने विवरणी देना है। ये प्री डिपार्चर ट्रेनिंग का, जिसके कारण आज सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट में लगभग भारत के 6000 ऐसे नौजवान जेलों में बंद हैं जिनको वहाँ के कानून की जानकारी नहीं थी। छोटे अपराधों में उनको वहाँ बंद कर दिया जाता था, और इससे बचने के लिए, इस तबाही से बचने के लिए भारत की सरकार ने, कौशल मंत्रालय ने इस योजना को प्रारंभ किया। वहीं राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 44 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्वीकृत करने का आग्रह किया। मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेश में आईटीआई की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कार्यशाला में ब्रिटिश काउंसिल और संचालक कौशल विकास के बीच प्रशिक्षण के लिए एमओयू हुआ। इस दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव और कौशल विकास संचालक संजीव सिंह भी उपस्थित थे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।